अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसके जो कोर्स कोड है, डेट इज़ हॉट 706 एंड कैरेट आर्स आर 3-2-1। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। हॉर्टिकल्चर उर्दू में कहा जा रहा था बागबानी, और इससे मुराद हम यहाँ ले रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। इसमें बेसिकली तीन तरह की फील्ड्स आ रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी डील्स विद फ्रूट्स एंड नट्स। सेकेंड कैटेगरी इज ओलेरिकल्चर विच डील्स विद वेजिटेबल क्रॉप्स। एंड थर्ड कैटेगरी डील्स विद फ्लोरिकल्चर, दिस इज बेसिकली डील्स विद द फ्लावर क्रॉप्स। अब फ्लावर क्रॉप्स हम जानते हैं फ्लावर बेसिकली ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो थर्ड कैटेगरी डील्स विद ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से इसमें आ सकते हैं? बहुत से होंगे। फॉर एग्जांपल जैस्मीन, रोज़ की बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं जो कि ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती हैं, एंड ऑर्चिड्स। और कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जांपल एलोवेरा। इट मीन्स इसमें हम ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ भी देख रहे होंगे, साथ ही साथ जिन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो भी साथ में यहाँ पर पढ़ रहे होंगे हम। और अगर हम फर्स्ट वन बाय वन को देख लेते हैं, तो फर्स्ट वन इज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी हम जानते हैं कि कुछ जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं ऑन द ट्रीज, फॉर एग्जांपल मैंगो। और कुछ ऐसे हैं जो कि श्रब पर ग्रो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल गुआवा। और कुछ ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक एलमंड। और ये भी याद रखें, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत थिक होती है लाइक बनाना। और कुछ ऐसे होते हैं थिन स्किन्ड होते हैं लाइक ग्रेप्स। और कुछ ऐसे भी इनकी स्किन होती ही नहीं है लाइक स्ट्रॉबेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं ओलेरिकल्चर के अंदर। ओलेरिकल्चर में हमने पढ़ा था यहाँ वेजिटेबल क्रॉप्स को हम देख रहे होते हैं, उनको काश्त करने का तरीका सीख रहे होते हैं बेसिकली। इसमें बहुत सी जो वेजिटेबल्स होते हैं हर्ब्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ ऐसे भी होती हैं ट्यूबर की फॉर्म में होती हैं लाइक पोटैटो। कुछ ऐसी हैं जिनकी वाइंस होती हैं लाइक लेडी फिंगर। और कुछ लीफी भी होती हैं जो लीफ के तौर पर खाई जा रही होती हैं लाइक स्पिंच। ये भी आखें बहुत सी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनमें स्टोर चीज में हम खा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सी आ सकती हैं लाइक मटर, भिंडी तोरी, एंड मोस्ट कॉमन इज कोकम्बर। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हाईली इमेच्योर स्टेज पर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक अनियन। प्रॉपर मेच्योर होने से पहले उनको खा लिया जाता है। अनियन हम जानते हैं बल्क फॉर्म में खाया जा रहा होता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ग्रोथ दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट, अदर वन इज कॉल्ड डिटर्मिनेट। इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है डेट कंटिन्यूज टू ग्रो, वो ग्रो करती जा रही होती है, और यहाँ से फिर मुख्तलिफ तरह के जो फ्लावर्स हैं वो फिर बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें याद रखें कि हमें ये नहीं पता कि स्टेम ने कहाँ जाके ग्रो स्टॉप करनी है, बिकॉज दिस इज़ इनडिटर्मिनेट। अब जो सबसे नीचे वाले जो फ्लावर्स होंगे अल्टीमेटली कन्वर्ट टू फ्रूट, और उसके बाद ये वाले ग्रो करेंगे, फिर ये, इट मीन सबसे नीचे वाले जो होंगे इनकी ग्रोथ पहले हो रही होगी और जो ऊपर वाले इनकी ग्रोथ बाद में हो रही होगी। अब इसका नुकसान जो होता है कि मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पर होंगे। जो नीचे वाले हैं वो राइपन जल्दी होंगे और ऊपर वाले जो है ना वो लेट हो रहे होंगे। इससे फिर हमें करना ये पड़ेगा कि एक बार हार्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा, इसको बार बार हार्वेस्टिंग की जा रही होगी। जबकि जो टर्मिनल ग्रोथ होती है उसमें पता होता है कि जो मेन स्टेम है वो जल्दी ही एक फ्लावर पर स्टॉप कर जाती है, और जितने भी नीचे जो फ्लावर्स ग्रो कर रहे होते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट टू फ्रूट्स, और सबकी जो फ्रूट बनने की स्टेज है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इसलिए इसको हम सिंगल हार्वेस्ट के बाद ही पूरे को हम आराम से फिर हम इसको अलग से रख सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता इंटरमीडिएट ग्रोथ के अंदर, क्योंकि मेन स्टेम ग्रो करती जा रही होती है और मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं वो बनने की स्टेज डिफरेंट होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो ट्री में और स्टब में क्या फ़र्क होता है? ट्री में याद रखें कि जो स्टेम होती है वो सिंगल होती है, सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है, जबकि जो श्रब होती हैं ये मल्टी स्टेम स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल स्टेम नहीं हुआ करती।
और ये भी याद रखें कि ट्री हो या स्टेम हो, ट्री हो या श्रब हो, दोनों वुडी नेचर की ही होती हैं। अगर हम देखें गुआवा में और सिट्रस फ्रूट्स में क्या फ़र्क होता है, तो याद रखें कि जो गुआवा है वो साल में आप 2 बार ग्रो कर सकते हैं, जबकि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो साल में एक बार ग्रो हो रहे होते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अगर गुआवा साल में 2 बार ग्रो कर पा रहे होंगे आप, तो इट मीन्स इसका ख्याल भी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसको इरीगेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसको न्यूट्रिशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर एक शख्स का साल में 2 बार इम्तिहान लिया जाएगा, उसको 2 बार एफर्ट करनी पड़ेगी, और किसी का 1 बार इम्तिहान है, उसको 1 बार एफर्ट करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टोमेटो। टोमेटो याद रखेंगे पिंक कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है, और टोमेटो इज़ अ पेरेनियल बेसिकली प्लांट। और अगर हम देखें तो टोमेटो ग्रो कहाँ करवाया जा रहा होता है, टोमेटो इज़ बेसिकली ग्रोन इन विंटर सीजन इन द टनल, और समर के अंदर से ग्रो करवाया जा रहा होता है इन द ओपन फील्ड। इट मीन्स देयर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जिसके लिए प्लांट्स ग्रो करवाया जा रहा होता है। इनके अलावा और बहुत सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही होती हैं हॉर्टिकल्चर, लाइक हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, एरोपोनिक्स टेक्निक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टनल और ओपन फील्ड हम इसमें देख चुके हैं जो अप्लाई हो रही है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर कैन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।